आज हम गांव खेड़ी चोपटा तहसील में फसल मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे किसानों के पास पहुंचे। किसानों के धरने का आज 12वां दिन था। वहां पर किसान नेता सुरेश कोथ, विकास सोरेन, अमरलाल थुआ, रघुवीर कापड़ो, रामनुआ सोरेन, राजकुमार राखी, मोनू मिलकपुर, नरेश सोरेन हैबतपुर, रामफल थुआ व अन्य बहुत सारे किसान नेता बैठे थे। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि कल से 11 किसान अनशन पर बैठेंगे और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा यहां से नहीं उठेंगे। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश है आगे की एक रिपोर्ट। मौजा अपना पक्का है, मौजा पक्का है, मगर टेम लाने की तैयारी कर रखी भाई। मैं तो सिर्फ यही बात आप लोगों को पूछने खातिर आया था भाई, टेम लाइक जे तो लड़ते रहोगे कि नहीं भाई, फिर इनका तेल भी काट देंगे, ले लिए मैं छरे दे देंगे तेरा टोकरी पर भर जाने का, चलो टोकरी पर भर जाएंगे सरे। और आज तो हमारी मजबूरी है कि भाईचारा में किसी का नाम ले जा तो यू कह देंगे जो अपनी बात करे है। हमें भाईचारा में जावा भी गए कमेटी नहीं बनावांगे, और जो 3 दिन तक तो माटी पीट रहे, जो 3 दिन तक हमारी माटी पीट रखी थी हमने, या न्यू भी बतावांगे फलानी तारीख ने बात होनी थी, डीसी आनी थी, किसने रोकी थी हमने बेरा है, मुख्यमंत्री के तो बात होनी थी, वह किसने रोकी थी हमने बेरा है। अब मैं यह भी बतावांगे पाचा जमाए शर्म नहीं आती, चाइनीज कोटी वाले भाई ध्यान दो, एक बात है हमारे पास कोई चीज नहीं बची, हम किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहते, हम किसी तरह का भी फूड़पन नहीं चाहते, मगर अपना बलिदान तो देश का हाँ, अपना बलिदान तो दे सकते हैं। उसी के तहत अगर किसानों के साथ चलती आज शाम तक ही बात करके नहीं मिला तो तड़के तड़े अनशन शुरू करांगे भाई, कोई गलत बात करके माफी चाहवांगे। धन्यवाद साथियों, 11 किसानों ने अनशन में बिठावांगे तड़के तड़े, और उनमें बिठावांगे जो अपने अपने गांवों में कंधे को अंधे पंचायती होंगे, जिनकी लोग राम राम आपके साथ नहीं हो रहा। खेड़ी जालम के हम अड़ेवा ब्लॉक में भी मारा गला नहीं हो गया है, छत्तरवाड़ा में तो मुआवजा मिल गया प्योर पर, और थुवाड़ा में को नहीं मिला, तो भाई हमें भी फूट। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक बात कहूं आपके माध्यम से, ज्यादा नहीं आप उग चुके हो 12 दिन हो गए, दुष्यंत और खट्टर 1 घंटा उरा बिठा दो, कोई मुआवजे की जरूरत को नहीं, खाली चले जावा अपने का। इतनी बुरी गर्मी है, ऊपर से 48 सेंटीग्रेड का तापमान है, और हमें उरा बैठे हैं लोगों, शर्म की बात है। वो रेलू राम जी जो रेल में जब मैं था पाकिस्तान था अंदा होया हम ना दुखी कण खतरा आया था, अरे क्यों ओट बड़ा तुम्बा समुआला बुजुर्ग आदमी मारे, देखे बूढ़े बूढ़े मेरी माँ बहन जमा सब दुखी कर लिए 12 दिन हो लिए, और एक चेतावनी और हवाई सहजान लेकर जो मैं थुआ खाप से आया हूँ आपका समर्थन करने के लिए, 10-20 आदमी हो रहे और आप कहोगे नहीं 19 काम है हमारे, 19 के 19 काम आपका सहयोग में पूरे बैठे मिलेंगे, अन्न और मंथन का सब चीज का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आज अपने धरने का 12वां दिन चल रहा है, और एक बात है कि पूरे हरियाणा के अंदर भाई अपने खेड़ी तहसील के धरने का चर्चा चल रही, अपने नौजवान भाई क्रांतिकारी भाई फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं भाई कि मैं भी जरूरत बड़ा दांत ही रहते तैयार हाँ भाई याद कर लियो, ये आप सबकी मजबूती और भाईचारा की ताकत का कारण हो पाया। अरे भाई ये तो कह रहे थे कि पसीना कटवाने की बात कर रहे भाई ने, वह भाईचारा संगठित
होकर बैठे रहिए, पसीना जो इनका कटाने का काम करेंगे। या आज इतने बड़े बड़े बोलिए क्यों बोल रहे हैं? अपना खातर जो दो नारे बने, जय जवान और जय किसान के, ये नारे लाने छोड़ के अपन इन उड़ा चुटा लगे बीजेपी कांग्रेस वाले के नारे लाने स्टार्ट कर दिए। अपना खातर जो जवान बॉर्डर पर सेवा कर पूरा देश की, अपने भाई आपके बेटे और किसान जो अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भरने का काम करे, लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1965 में नारा आपको हौसला बढ़ाने खातर आपके मान सम्मान में देने का काम करा था। और इनकी गुलामी, आपकी जो पार्टियां की गुलामी, आपने ये जो दलाल बैठे हुए हैं आज भी जो बात कर रहे थे बस सरे लेन की, बीजेपी वाले ने उचा हुआ कि उन्हें मिलना चाहिए, जेजेपी वाले उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन भाई संगठन में शक्ति है। यह बात जिस दिन पहचान लोगे पूरे बैठने की नौबत को नहीं आओ भाई। और सबसे बड़ा उदाहरण है, जब भी लोगों का लठला कर लगे थे, आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने गामा में नहीं पढ़न दिए और मजबूती दे जो तो सूबा बैठे मार दो रहे। केपी नगर देश की दो पीढ़ी सूबा दादा गाँव दादा अपना सूबा भाई बॉर्डर पे पूरे के पूरे तेरा भी नहीं उड़ा बैठा रहा, इसका तेरे को ताड़ी बजा दो। ये है असली मान सम्मान के अधिकार। तो देखा मैं इन पार्टियां का पढ़ना छोड़ दे, दो दिन पहले सुशील गुप्ता रहा था, उससे पहले कुमारी सैलजा आ रही थी, या तारी ताकत है तारा पाचे पाचे पुंज ठाए फिरे हैं, कहे तारे वोट कट जाए, तारे भाईचारे की ताकत है, आज ये तारे बीच में हुए हैं। अगर संगठित रहोगे भाई, ये भाईचारे जोड़ कर रखोगे तो ये तारे पाचे पाचे फिरोगे, रामायण का पाठ चलाकर की जरूरत को नहीं। ये वो सुशील गुप्ता पांच आदमियां लेकर आ रहा था, पाचे पाचे 100 लेकर लिया भाई, क्या था रिश्ते कराना रहा था, और गांव में आकर पूछा करेंगे जब तब इकट्ठे हो जाओगे ना थाइया में, जब यहाँ आओगे सवाल पूछने लायक जाओगे भाई, और तामन आता है डेढ़ पिन्ना में और खेत तहसील में बिठाए रखे, जब कैप्टन गड़ा था भाई तो गौतम गड़ा था और ये कांग्रेस वाले गड़े थे, ये बात जब पूछने लायक जाओगे तब ये तारे गांव में बढ़ते बिठ रहा करेंगे। ये बात है भाई, अपना मजबूती तय लड़े रहो, अच्छा भी लेवांगे और ना कर करके माफी मंगवाने का भी काम करेंगे। यह बात भी है बीजेपी वाले अपने दिमाग में डाल लिया भाई, पक्का इलाज कराएंगे, ये ताला जब खुलेगा भाई जब अपने खाते में रुपया आ जाएंगे। आप सब ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एक्ट।